प्रिय छात्रों, कक्षा 11वीं व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत अध्याय 16.1 हम आज अध्ययन करेंगे विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। एक व्यापार व्यवसाय उद्योग में जो पूंजी होती है वो उसके जीवन रक्त के समान होती है, अर्थात व्यापार व्यवसाय उद्योग में जब तक पूंजी नहीं होगी व्यापार व्यवसाय उद्योग का संचालन करना असंभव होगा। तो किसी भी व्यापार व्यवसाय उद्योग के लिए सबसे जो अति आवश्यक साधन है वो पूंजी है, और पूंजी के माध्यम से ही उसे संचालित किया जाता है। अब इन व्यापार व्यवसाय उद्योगों को जो पूंजी वित्त की जो व्यवस्था है वो जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा की जाती है वे विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आती है। तो यहाँ हम देखें आशय परिभाषा में कि विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ वे संस्थाएँ हैं जो व्यवसायिक वित्त की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अर्थात ये वो संस्थाएं हैं जो किसी भी व्यवसाय के लिए वित्त की उपलब्धता कराती हैं, वित्त की पूर्ति करती हैं। ये केवल व्यवसाय के लिए वित्त ही उपलब्ध नहीं कराती, अब एक कार्य तो ये करती ही हैं कि वित्त उपलब्ध कराती है, पूंजी उपलब्ध कराती, साथ ही इसके यदि व्यवसाय नए व्यवसाय का प्रवर्तन करना है, नए उद्योग का प्रवर्तन करना है, अर्थात कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना है, कोई नया उद्योग शुरू करना है, तो उसके प्रवर्तन व विकास संबंधी कार्यों में भी अपना सहयोग प्रदान करता है। जैसे रोजगार की दृष्टि से हम देखें यदि बैंक किसी उद्यमी को लोन फाइनेंस करता है, ऋण प्रदान करता है, तो वो जिस प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है उस व्यवसाय से जुड़े हुए समस्त प्रकार की जानकारी, व्यवसाय को किस प्रकार से संचालित करना है और भविष्य में उसमें और कैसे प्रगति की जा सकती है, इस संबंध में जो है विभिन्न वित्तीय संस्थाएं या बैंक जो है उनको सलाह देते हैं, उद्यमियों को सलाह देते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर वित्तीय संस्थाएं जो है वो व्यवसाय उद्योग के प्रवर्तन के साथ साथ उसके विकास संबंधी कार्यों में भी अपना सहयोग प्रदान करती है। अब यहाँ हम देखें स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं तथा विकास निगमों की स्थापना में रुचि ली, जो कि कुछ प्रमुख संस्थाएं जो निम्न रूप में हैं, जिनको हम जानते हैं, जो कि विभिन्न व्यापार व्यवसाय उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था कराती, जिनमें जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, दूसरा है भारतीय औद्योगिक साख निगम, तीसरा राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आयात निर्यात बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड और भारतीय जीवन बीमा निगम मुद्रा बैंक आदि। तो ये वो संस्थाएं हैं जो किसी भी व्यवसायिक संस्थान को जो है वित्त उपलब्ध कराने में मदद करती हैं, उन्हें प्रदान करती हैं, उन्हें सहायता प्रदान करती हैं, साथ ही उनके व्यवसाय को उनके उद्योग के प्रवर्तन के लिए, उनके विकास के लिए जो है उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करती है। अब यहाँ पहली जो वित्तीय संस्था है वो देखते हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए वह अतिरिक्त उद्योगों में लगी पुरानी मशीनों को बदलने एवं उनके आधुनिकीकरण की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जुलाई 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब देश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए की आवश्यकता पड़ी तो जो पुरानी मशीनें थी उन्हें बदलने के लिए, साथ ही मशीनों की टेक्नोलॉजी परिवर्तन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो है यहाँ पर जो है वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जुलाई 48 में जो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1993 को इस निगम को परिवर्तित कर एक कंपनी का रूप दिया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों के लिए मध्यम व दीर्घकालीन साख ऋण की व्यवस्था कराना। ये पंजीकृत जो सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी एवं सहकारी संस्थाओं को वित्त प्रदान किया जा सकता है जो वस्तुओं के निर्माण, संरक्षण, प्रोसेसिंग, खनन, होटल एवं विद्युत उत्पादन एवं
वितरण कार्यों में संलग्न है और भी विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उन सभी के लिए जो है ये वित्त निगम लिमिटेड जो है वो मध्यम और दीर्घकालीन साख ऋण की व्यवस्था को उपलब्ध कराता है। तो ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। अब इसके जो वित्तीय साधन है अर्थात भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के जो वित्तीय साधन है, इनके जो स्रोत हैं, जिनके पास पूंजी जो इनके पास है वो है अंश पूंजी के रूप में। निगम की जो अधिकृत पूंजी है वो 1,000 करोड़ रुपए है, जिसमें अंशधारियों के रूप में अनुसूचित बैंक, बीमा संस्थाएं, बस सहकारी बैंक इत्यादि हैं। अर्थात यहाँ पर वित्त निगम के जो वित्तीय साधन के अंतर्गत जो इसकी अंश पूंजी है वो लगभग 1,000 करोड़ की है, जिसमें अनुसूचित बैंक, विभिन्न बीमा संस्थाएं और सहकारी बैंक सम्मिलित हैं। दूसरा संचित कोष, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की जो चुकता पूंजी वर्तमान में ये 452.80 करोड़ रुपए है। फिर ऋण पत्र, ये अपनी वित्त आपूर्ति के लिए बॉन्ड एवं ऋण पत्र जारी कर सकता है जो कुल राशि या चुकता पूंजी तथा संचित कोष से 10 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है रिजर्व बैंक या सरकार से ऋण, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है वो रिजर्व बैंक या सरकार से भी ऋण प्राप्त कर सकता। तो निगम अपनी प्रतिभूति के आधार पर 90 दिन का व ऋण पत्रों के आधार पर रिजर्व बैंक से 18 महीने तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के लिए जो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम रिजर्व बैंक व सरकार से आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त कर सकता है, जो कि अपनी प्रतिभूति के आधार पर ऋण और 90 दिन और ऋण पत्र के आधार पर जो है रिजर्व बैंक से 18 महीने तक का ऋण ये प्राप्त कर सकता है। फिर विदेशी मुद्रा में ऋण, निगम ने जो है विदेशी मुद्रा के रूप में वित्तीय मदद प्रदान करने की दृष्टि से विदेशी संस्थाओं से भी ऋण प्राप्त किए। तो ये इसके जो वित्तीय साधन है जिनके माध्यम से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पूंजी को प्राप्त करती है और फिर विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रदान करती है। इसके जो कुछ प्रमुख कार्य हैं, नंबर एक है ऋणों की गारंटी करना। निगम जो है औद्योगिक उपक्रम द्वारा भारत के अंदर जनता से प्राप्त किए गए 25 वर्ष की अवधि के ऋणों तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त किए गए ऋणों की भावी अदायगी की भी गारंटी करता है। अर्थात भारत के अंदर जो विभिन्न व्यापार व्यवसाय उद्योग स्थापित हैं उनकी 25 वर्ष की अवधि के लिए जो ऋण प्रदान कर गए किए गए हैं उनकी अदायगी की, उनके भुगतान की गारंटी को ये स्वीकार करता है। पर अभिगोपन का कार्य, विभिन्न सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा जो अंशपत्र जारी किए जाते हैं उनका ये अभिगोपन भी करता है। तो विभिन्न भारतीय उपक्रमों द्वारा निर्गमन अंश पूंजी व ऋण पूंजी का अभिगोपन भी करता है। वर्तमान में निगम अंश व ऋण पत्रों को प्रत्यक्ष रूप से क्रय भी करने लगा है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न सार्वजनिक कंपनियों के अंशपत्र और ऋण पत्रों को ये खरीदता भी है और साथ ही उनके अंशपत्रों का, ऋण पत्रों का अभिगोपन भी करता है। फिर ऋण व अग्रिम प्रदान करना, निगम जो है प्रार्थिक संस्था की आर्थिक स्थिति और परियोजना की उपयुक्तता, साथ ही प्रबंध व्यवस्था, लाभार्जन क्षमता व ऋण वापसी की क्षमता के आधार पर मध्यकालीन व दीर्घकालीन जो है ऋण प्रदान करता है। तो मुख्य कार्य जो है इसका ऋण व अग्रिम प्रदान करना। तो निगम जो है आवेदक संस्था की आर्थिक स्थिति के आधार पर, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की, उसकी परियोजना किस प्रकार की, किस प्रकार का वो व्यापार व्यवसाय उद्योग जो संचालित कर रहा है, साथ ही उसकी प्रबंध व्यवस्था किस प्रकार की है, साथ ही उस फर्म की, उस कंपनी की, संस्था की लाभार्जन क्षमता किस प्रकार की है, और मुख्य चीज जो है कि उसकी ऋण वापसी की जो अदायगी क्षमता है वो किस प्रकार की, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो है वो मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य भारतीय औद्योगिक वित्त निगम करती है। फिर एजेंट के रूप में अभिकर्ता का कार्य, तो निगम जो है विश्व बैंक या केंद्रीय सरकार द्वारा किसी भारतीय उपक्रम को दिए ऋण अथवा उनके ऋण पत्रों को प्रार्थित करने पर उनके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर औद्योगिक विकास में लगे किसी भी संस्थान के प्रबंध को अधिग्रहित कर सकता है। तो ये एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ पर जो विभिन्न
विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के जो ऋण पत्र हैं उनको बेचने खरीदने का कार्य अभिकर्ता के रूप में करता है, साथ ही आवश्यकता यदि पड़ती है तो किसी अन्य औद्योगिक संस्थान को भी जो है अधिग्रहित कर सकता है। तो ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रमुख कार्य हैं। इसके बाद दूसरी जो संस्था है वह भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। तो 5 जनवरी 1955 को स्थापित इस निगम का मुख्य उद्देश्य जो है औद्योगिक विकास के लिए निरंतर पूंजी की मांग की पूर्ति हेतु विश्व बैंक भारतीय उद्योगों को किसी ऐसी संस्था के माध्यम से सहायता देना चाहता था जो केवल निजी क्षेत्र को पूंजी उपलब्ध कराए। यह कंपनी जो है अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एवं सार्वजनिक कंपनी है। वर्तमान में जो भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम का जो है ICICI बैंक में ये क्या हो चुका है, विलय हो चुका है भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम का। तो इसके भी जो कार्य है निगम के, नंबर एक मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करना, दूसरा अन्य निजी विनियोग क्षेत्रों से मिलने वाले ऋणों की गारंटी करना, फिर नई कंपनियों के अंशों व प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना और पूंजी विनियोग को गतिशील बनाकर उन्हें अदायगी व पुनर्विनियोग हेतु सुलभ बनाना। तो ये मुख्य रूप से साथ ही औद्योगिक इकाइयों को प्रबंध की तकनीकी एवं प्रशासकीय परामर्श प्रदान करना, तो ये जो है ये भारतीय औद्योगिक साख विनियोग निगम के जो प्रमुख कार्य हैं कि मध्यकालीन और दीर्घकालीन उन्हें वित्त पूंजी की व्यवस्था कराना, साथ ही अन्य विनियोग क्षेत्र से जो उनको ऋण प्राप्त हो रहे हैं उनके ऋणों की उनको गारंटी लेना, साथ ही नई कंपनियों के जो अंश और जो विभिन्न प्रतिभूतियां हैं ऋण पत्र हैं बॉन्ड्स हैं उनको अभिगोपित करना, आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यक्ष रूप से उन्हें खरीदना भी, और साथ ही पूंजी को जो है विनियोग को गतिशील बनाना, उसकी अदायगी और पुनर्विनियोग हेतु सुलभ बनाना और आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को उनके अनुसार प्रबंध की तकनीकी एवं प्रशासकीय परामर्श प्रदान करना। यहाँ पर जो है निगम की रणनीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता की निम्नतम सीमा जो है वो 5 लाख व अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। ये भारतीय व विदेशी दोनों मुद्राओं में ऋण प्रदान करती है तथा 15 वर्ष तक की अवधि वाले ही ये ऋण प्रदान करती है। तो भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम जो है ये जो है 15 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है। तो यह भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 राज्य वित्त निगम। राज्य वित्त अधिनियम भारत सरकार द्वारा जो है सितंबर 1991 में पारित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में वित्त निगम स्थापित करने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर जो है भारत सरकार द्वारा सितंबर 1951 में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अंतर्गत विभिन्न देश की विभिन्न राज्य सरकारों को अपने अपने प्रदेश की सीमाओं में वित्त निगम की स्थापित करने का अधिकार दिया गया। वर्तमान में जो है देश में राज्य वित्त निगमों की जो संख्या है वो 18 हो चुकी है। ये निगम क्या करते हैं, ये निगम अपने राज्यों में छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि, अधिक विनियोग, अधिक रोजगार और उद्योग के व्यापक स्वामित्व में सहायक होते हैं। अर्थात भारत सरकार का ये प्रयास था कि विभिन्न ऐसे पिछड़े हुए राज्यों में जहाँ पर कि औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं बहुत कम मात्रा में, वहाँ पर उन राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए जो है वित्त की व्यवस्था उपलब्ध कराना यहाँ पर राज्य सरकार सुनिश्चित करें। इससे क्या हुआ कि उस क्षेत्र में जो असंतुलित क्षेत्रीय विकास था वो संतुलित हुआ, विनियोग की मात्रा बढ़ी, साथ ही वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हुए और अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना वहाँ हुई। इसके जो कार्य हैं, लघु एवं मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों को 20 साल तक के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, लघु और मध्यम आकार के जो उद्योग थे उनको 20 साल तक के लिए ऋण प्रदान करना, फिर औद्योगिक इकाइयों द्वारा विभिन्न अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों की गारंटी देना और विभिन्न निर्गमित अंशों व
ऋण पत्रों का अभिगोपन करना व खरीदना। विभिन्न सार्वजनिक कंपनियों द्वारा, विभिन्न लघु और मध्यम आकार के उद्योग कंपनियों के द्वारा जो है ऋण पत्रों अंशों का अभिगोपन करना और उन्हें स्वयं खरीदना। फिर केंद्रीय व राज्य सरकार तथा औद्योगिक वित्त निगम के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना। वर्तमान में राज्य वित्त निगम की जो अधिकृत पूंजी है उसकी न्यूनतम सीमा 1 करोड़ और उच्चतम सीमा 50 करोड़ रुपये हो गई है। ये निगम सावधि ऋणों, इक्विटी या डिबेंचरों में प्रत्यक्ष अंशदान, विनियोग बिलों की भुनाई तथा गारंटियों के रूप में उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं। तो ये कहता है, ये है राज्य वित्त निगम। उसे जो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रमुख कार्यों को समझाइए। तीसरा जो है भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम के प्रमुख कार्यों को समझाइए। और अभी जो हमने अध्ययन किया राज्य वित्त निगमों की पूंजी कितनी है और उसके कार्यों को विस्तार के साथ समझाइए।